dear students in fifth unit of engineering physics our next topic is einstein's coefficients so actually we have already defined all three einstein's coefficients b12 in absorption of radiation a21 in spontaneous emission of radiation and b21 stimulated emission of radiation in the previous video Now we वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑल द coefficients. We वी an एन एनक्लोजर temperature इज टी इन थर्मल equilibrium, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज न्यू हम एक ऐसा एनक्लोजर सोचते हैं जिसका टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में टी है और जो रेडिएशन उससे निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है द करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी इज यू न्यू जो भी रेडिएशन उससे निकल रहा है उसकी एनर्जी डेंसिटी यू न्यू है एन वन एंड एन टू इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली एट एन इंस्टेंट और किसी इंस्टेंट पर किसी क्षण पर एनर्जी स्टेट वन और टू में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एन वन और एन टू हैं तो सबसे पहले हम एब्जॉर्ब प्रोसेस के थ्रू ऊपर से नीचे जाने वाले एटम की संख्या निकालते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट वन विच कैन एब्जॉर्ब ए फोटोन एंड गिव राइज टू एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एन वन पी वन टू पी वन टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से लाएंगे इज इक्वल टू एन वन बी वन टू यू न्यू इन द कंटीन दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव और इसी तरह से ऊपर से नीचे आने वाले जो एमिशन के द्वारा एटम आएंगे वो उनकी संख्या लेंगे द नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट टू विच कॉज इज एमिशन प्रोसेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एन टू पी टू वन पी टू वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर से लाएंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में थी इज इक्वल टू एन टू ए टू वन प्लस बी वन टू यू न्यू और अब हम इन दोनों को नंबर ऑफ एटम्स को जो नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं इक्वेट करते हैं हम थर्मल इक्विबेरियम में दैट इज इन इक्विबेरियम इक्वेटिंग एब्जॉर्बशन एंड एमिशन रेट्स एन वन पी वन टू इज इक्वल टू एन टू पी टू वन और एन वन बी वन टू यू न्यू इज इक्वल टू एन टू ए टू वन प्लस बी टू वन यू न्यू ओपनिंग दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू एन टू ए टू वन प्लस एन टू बी टू वन यू न्यू और यू न्यू कॉमन एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन इज इक्वल टू एन टू ए टू वन और यू न्यू इज इक्वल टू एन वन यू न्यू इज इक्वल टू एन टू ए टू वन अपॉन n1 b12 minus n2 b21 or a21 upon n1 upon n2 b12 minus b21. So here we divide numerator and denominator by n2. Equation number 6. According to <coughs> Boltzmann distribution law of number of atoms n1 and n2 are given by n1 is equal to n0 e to the power minus e1 upon kt and n2 is equal to n0 e to the power minus e2 upon kt where n0 is the total number of atoms and k is the Boltzmann constant. So from here n2 upon n1 is equal to e to the power minus e2 upon kt upon e to the power minus e1 upon kt. इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई टू माइनस ई वन अपॉन के टी और इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी क्यूंकि यहां पर हम ई टू माइनस ई वन को एच न्यू ले लेंगे देअर फोर रिवर्सिंग एन वन अपॉन एन टू इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी और इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, N1

हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन वन अपॉन एन टू इन इक्वेशन नंबर सिक्स वी गेट इक्वल टू ए टू वन अपॉन ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी इन टू बी वन टू माइनस बी टू वन यहां पर बी टू वन को कॉमन ले लेंगे सो यू न्यूज इक्वल टू ए टू वन अपॉन बी टू वन इन टू ई टू दावर एच न्यू अपॉन के टी इन टू बी वन टू अपॉन बी टू वन माइनस वन इक्वेशन नंबर सेवन अकॉर्डिंग टू प्लांस रेडिएशन टी माइनस वन दिस इज इक्वेशन नंबर एट इक्वेटिंग और कंपेयरिंग इक्वेशन सेवन एंड एट वी गेट ए टू वन अपॉन बी टू वन इज इक्वल टू एट पाई h nu cube upon c cube and second factor b12 upon b21 is equal to 1. So, from here it is clear that b12 is equal to b21. But from this equation we conclude uh, that a21 upon b21 is directly proportional to cube of the uh, frequency nu. So, this is all about the Einstein's coefficients. Thank you so much.